सबसे पहले प्रणाम मैडम जय श्री आपको। राम, जय श्री राम। और मैम आपसे न्यूमरोलॉजी सीख के मैंने मनी अर्निंग करना भी शुरू कर लिया। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो मैम मैंने अपना नाम भी बदल दिया, पर एक दो क्वेरीज है मेरी। हाँ जी, हाँ एक्चुअली क्या बिल्कुल मैम बिल्कुल सरनेम को हम बदल सकते हैं थोड़ा, एक आध नम लगा बिल्कुल, सकते हैं ना, हमेशा हमेशा ऐसा है ना? सरनेम को आप बिल्कुल बिल्कुल बदल सकते हैं। और सरनेम को एक्चुअली जब हम बड़े हो जाते हैं ना, हमारे पास ऑप्शन ही कितने बचता है। आप सोचो, हाँ अगर सरनेम को चेंज नहीं करेंगे तो फिर तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, वही हमारे पास मैंने कहा, ऑप्शन ही नहीं होता है। हाँ वही मैंने कहा, कहीं पे छोटा मोटा एक अल्फाबेट जोड़ना ही पड़ता, और कोई चारा नहीं। तो फिर मेरे को लगा कि एक बार आपसे क्योर कर लूं। मैंने काफी लोगों के मैम नाम भी बदले, विद इन 2 डेज में गुड रिजल्ट आने लग गए, बोले तूने इतनी फास्ट किससे सीख लिया, कौन है मतलब। तो मैंने मैम आपका नाम सजेस्ट किया सबको, आपकी तो इतना अरे पब्लिसिटी करती हूँ ना मैम, पूछो मत, मेरे तो अरे सबसे बढ़िया गुरु वही है मैम। मैम मेरे को अभी एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी भी सीखना है, तो आप जैसे ये रिकॉर्डिंग वाला बनाया ना मैम, वैसा ही बनाना, तो क्या हम लोग आराम से ऐसा कर सके मैम, श्योर श्योर, है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल, उसमें क्या बहुत हाँ मजा भी आता, दिन भर आपको ही सुनते रहते मैम, कुछ भी समझ में आ ही नहीं आया मैम को सुनो, आधा टेंशन फ्री ऐसे ही हो जाते हैं मैम। ओ मैम मेरे को चलिए। एक और क्वेश्चन था, जैसे हमारा निम्बोस्कोप का चार्ट बनाते, कोई आके बोलता हमारी फर्स्ट बेबी लड़का होगा लड़की होगी, तो मैम वो कैसे बताना मैम? मत बताओ, नहीं बताना ऐसा, हाँ मत बताओ, ठीक है। और आपका, आपके चार्ट में जुपिटर मरकरी है, ठीक है, चलो, आपके चार्ट में जुपिटर मरकरी का कॉम्बिनेशन, इनके जो जिन लोगों ने नंदी नाड़ी पढ़ी है ना, मैं से उनको उनको बता रही हूँ, इनके चार्ट में जुपिटर मरकरी का कॉम्बिनेशन है। अभी बताओ मैंने कैसे बताया, इनके चार्ट में जुपिटर मरकरी का कॉम्बिनेशन है। इनका चार्ट उठाकर देखेंगे, इन्होंने क्या बोला कि मैडम हम आपको सुनते रहते, मजा आता रहता है, पर मजा, मैम मरकरी मेरी जुपिटर कुंडली गुरु गुरु के जुपिटर मरकरी का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। साउथ में मेरा गुरु है मैम, और मरकरी हाँ उसके बगल में ही है। मैं ना जब भी ना ऐसे ढूंढती थी कि मेरे को किससे करना चाहिए, फिर इत्तफाक से आपने एक वीडियो में से बोला, और किसी से मैंने अपॉइंटमेंट भी लिया, वो कैंसिल करके मैंने बोला इस वाले मैम से मेरा ना पे कर लो, मैं तो इनसे ही करवाऊंगी। और मैम आपसे जो भी ब्रेसलेट लिए ना, बहुत अच्छे वर्क भी कर रहे, जिन जिनको मैंने दिए हैं विद इन 2 डेज में, वो बोल दे हमको तो इतना अच्छे से हो रहा है, वो हो रहा है ऐसा, मतलब मैम बहुत अच्छा हो रहा है, आपसे तो जुड़ के बहुत बेनिफिट्स हो रहा है मैम। जय श्री राम, मेरे से जुड़ के और ना, मैम और वहां मैं से चाहती हूँ आप जो, जो जो कोर्स करवाए आप निकालते हो ना, तो हमको बस टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन दे दिया करिए मैम, तो हम क्या फास्ट ज्वाइन हो सकते हैं। हाउसवाइफ भी है ना मैम, तो थोड़ा देख पाते नहीं देख पाते, एक बार व्हाट्सएप पे आप मैसेज डालिएगा। और मैं चलिए चाहती हूँ आप खूब तरक्की करें, खूब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां, हमारी दुआ है मैम आप। श्योर, थैंक यू। आप मैम हाजी, आप बताइए। जय श्री राम। जय श्री राम। मैम मेरे ना 2-3 क्वेश्चंस हैं। एक तो ये है कि जैसे आप हमें अभी आपने हमें नंदी नाड़ी बताया है, तो जैसे हम अगर गोल्डन सील बनाते हैं किसी की, पर नाड़ी के हिसाब से उस इंसान के 8 नंबर फेवरेबल नहीं है, ठीक है मैम, लेकिन गोल्डन सील में कहीं ना कहीं वो नंबर मिसिंग है। तो अगर मान लो मुझे उसकी गोल्डन सील 3 नंबर पे लेके आनी है, जुपिटर स्ट्रॉन्ग करना है मुझे उनका, तो वो अगर 8 मिसिंग है बट वहां पे फेवरेबल नहीं है, तो व्हाट शुड बी डन? तो भी वो गोल्डन सील एक यंत्र है, ठीक है। मैंने कहा कि देखो, कोई प्लैनेट्स होते हैं, हमें बहुत ज्यादा एक्टिव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम किसी भी प्लैनेट को ऐसे कंप्लीटली मिस आउट नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते, हाँ ठीक है ये ना, आपने बोला है। क्योंकि आपने, जैसे हमने कहा राहु इज डेंजर, लेकिन उसके बावजूद भी आप राहु को कंप्लीटली मिस कर सकते हो अपनी लाइफ में, जाके जंगलों में रहोगे नहीं नहीं रहोगे ना। नहीं तो सिंपल सी बात है, किसी भी चीज के बिना ना, मतलब एक्सेस उस पर्टिकुलर प्लैनेट की, फिर हमें एक्सेस रेमेडी नहीं देनी है। हम एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी से क्या सीख रहे हैं कि यार ये प्लैनेट ना बहुत फेवरेबल है, तो इसकी इसकी हमें अधिकता करनी है, और ये प्लैनेट फेवरेबल नहीं है, इसी वजह से वो, जो मैंने गोल्डन सील बनाने का एक बेसिकली यंत्र सिखाया है आपको, कि वो एक समता लेकर आ जाता है। आप 8 नंबर जब फेवरेबल नहीं है, तो आप 8 नंबर की, इसका मतलब कोई रेमेडी नहीं कराओगे उनको, कोई भी रेमेडी नहीं कराओगे, है ना। तो कुछ तो होना चाहिए, 8 नंबर मिसिंग भी है नॉल, कुछ तो होना चाहिए, तो गोल्डन सील में एक नंबर आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बस एक बैलेंस क्रिएट करेगा, ठीक है। तो गोल्डन सील ओके का वो हमेशा वही रहेगा कि जब हम एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी के थ्रू देखते हैं कि मिसिंग नंबर्स प्लस सम टोटल शुड बी योर फेवरेबल प्लैनेट, प्लैनेट, ओके
ठीक है। सो वही मैम, 8 नंबर वैसे भी फाइनेंस के लिए जरूरी है, उसको आप वैसे भी न्यूमोस्कोप में इग्नोर ही नहीं कर सकते, मिस आउट नहीं रिक्वायर्ड कर टू सकते कंप्लीट बिल्कुल। प्लेन, तो वो इसलिए भी ठीक है मैम। और आपको एक चीज बताती हूँ मैं एक आपको, आज की बताइए। डेट में ना गूगल पे कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जिन वर्ड्स का कोई मीनिंग ही नहीं है, ठीक है। एक ये जो कुछ साइट्स ऐसी बन रही है जिन्होंने नाम कुछ कुछ नहीं, बहुत साइट्स ऐसी हैं जिनका कोई कोई हमारे शास्त्र में कोई वो नाम नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। जी तो उनका कोई शास्त्र में हमारे नाम नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपली बस वो लिख दिया कि अच्छा कियांश का मतलब क्या होगा, कियांश का मतलब होगा कहना। कहाँ कहाँ से ढूंढा आपने, कहीं से नहीं ढूंढा। कुछ लोग, कुछ नहीं, बहुत लोग ऐसे बैठे हैं जिनको ब्लॉग्स बनाने हैं, ब्लॉगिंग करनी है, उन्होंने नाम पे नाम लिखे गए कि डिफरेंट नाम चाहिए ना, तुमको डिफरेंट नाम दिखाएंगे, और उसके नाम के आगे मीनिंग लिख दिया कि ये मीनिंग है उस नाम का, अपने आप मन घड़ंत मीनिंग लिखे जा रहे हैं। और आप गूगल करते हैं नाम बताओ मुझे, के से नाम बताओ, के से बहुत सारे डिफरेंट नाम आ गए, एल से नाम बताओ, एल से बहुत सारे डिफरेंट नाम आ गए, और हमको अपने बच्चे का एक नाम बहुत ही डिफरेंट और यूनिक रखना है। अरे मतलब क्या, कुछ भी रख रहे हैं, कुछ भी रख रहे हैं लोग, अपने बच्चों का नाम कुछ भी रख रहे हैं, उसका असलियत में क्या जी मतलब है क्या नहीं मतलब है वो गूगल बाबा बता रहे हैं। गूगल बाबा कैसे बता रहे हैं, कुछ लोग जो ब्लॉगिंग करने के लिए ही बैठे हैं पूरा दिन, वो नए नए नाम अपने दिमाग से खोज खोज के उनके जबरदस्ती के मतलब निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें तो संस्कृत आती नहीं है, हम क्या करें, राइट ठीक है चलो भाई गूगल से पूछ लेते हैं। और नाम ऐसे ऐसे रखे जा रहे हैं जिनका मीनिंग एक्चुअली में ये तो है ही नहीं, और अगर है तो वो चीज जी जो हम अनवेरिफाइड सोर्सेस से पढ़ रहे हैं वो बड़ी खतरनाक चीज है, ठीक है। जी हाँ लेकिन हाँ, मैं अपने ड्राइवर एंड कंडक्टर की बात कर रही थी। मेरा ड्राइवर 2 है, कंडक्टर 9 है। तो जैसे मुझे, जैसे आफ्टर मतलब कि मैं 42 की हो गई हूँ, मैं अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाह रही हूँ, तो वाटर रिलेटेड कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है बीबी, बिल्कुल राइट? और मैम एक ये, जैसे हम नेम करेक्ट, जैसे नेम करते हैं करेक्ट, इसमें कोई स्पेलिंग का भी रहता है? जैसे मुझे कईयों ने बताया, जैसे मेरा नाम पूजा है, तो पी बहुत डेंजर होता है, इसको आगे बहुत स्ट्रगल, ऐसा कुछ है क्या? आप कोर्स कर रहे हैं ना, ठीक है। अब आप हाँ ये मत सोचिए कि किसने क्या बताया, अब आपके पास एक जी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है कि क्या स्टेप बाय स्टेप क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है, और मैं फिर बोलूंगी जिन जिन लोगों ने न्यूमरोलॉजी किया है, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी कर लो, इट्स लाइक बहुत जबरदस्त चीज है, ठीक है, तो ओके इसका कोई पार नहीं है। ओके, यानी कि बेसिकली मैं बस इसी को फॉलो करें, बाकी सब चीजें छोड़ दें। जी बाकी सब चीजें छोड़ दो, इससे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, इससे रिजल्ट्स इतने औसम मिलेंगे ना, आप खुद बोलोगे कि यार मजा आ गया, लिटरली में मजा आ गया। अच्छा इस बात को तो मैं ठोक बजा कर बोल सकती हूँ कि हाँ एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी, मैं इसलिए इतनी ज्यादा वो हूँ कन्विंस्ड हाँ और इतनी ज्यादा ढंग से आपको इसलिए बोल रही हूँ, मेरे पास कितने कितने लोगों की लाइव केस स्टडीज है, ओके ठीक है। और फिर उसके बाद आप लोगों की खुद की लाइव स्टडीज होंगी, केस मतलब आपसे कोई क्वेश्चन ये नहीं पूछ पाएगा कि आपने ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा कैसे हो गया, आपके पास पूरा पीछे तक का होगा कि एग्जैक्टली हम क्यों बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं। आपके प्लैनेट जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन जो प्लैनेट्स थे उनके हिसाब से बोल रहे हैं, और इसको कोई डिनाई नहीं कर पाएगा। कुछ लोग तब भी डिनाई कर देंगे, मैं जानती हूँ ऐसे लोगों को जिनका मंगल मरकरी और राहु कनेक्टेड होगा, वो ऐसे लोग आपको बिल्कुल डिनाई कर देंगे, उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि आप कि हाँ में हाँ मिलाना। लेकिन जो जेन्युइन लोग होंगे वो कभी डिनाई नहीं करेंगे, वो बोलेंगे हाँ जो आपने कहा एग्जैक्टली काम भी कर रहा है, और लिटरली में मतलब मुझे जब से ये चीजें समझ में आनी स्टार्ट हुई थी ना, मुझे ये जादू जैसा लगने लगा था, एंड दैट इज नो एक मोमेंट था मेरी लाइफ में वो, कि यार ये तो बहुत ही चमत्कार चमत्कारी चीजें मिल रही हैं, एंड दैट्स व्हाई आई लेफ्ट सीए सीएस, और मैं वास्तु एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी इनको मैंने कंप्लीटली, एंड आई लेफ्ट सीए सीएस ऐसे नहीं पढ़ते वक्त नहीं छोड़ा बाबा, कंप्लीट करने के बाद छोड़ा है, ठीक है, कंप्लीट करके बच्चों को पढ़ाने के बाद फिर, एंड देन आई रियलाइज्ड कि हाँ ये तो जिंदगी बदल देने वाली चीज हाथ में लग रही है, प्रकृति सामने दे रही है जिंदगी की, जिंदगी बदली जा सकती, जिंदगी मतलब जिंदगी की प्रॉब्लम्स रिड्यूस हो सकती हैं, ग्रोथ अच्छी हो सकती है, और बहुत ही
मैजिकल बोलूंगी मैं इसको, कि ये जो एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी का एक्सपीरियंस है वो मैजिकल होने वाला है। ठीक है, चलिए। मैंने भी जितना किया है ऑब्जर्व किया ना, सीरियसली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बिल्कुल, नहीं, रहेगा ही रहेगा। हाँ जी पायल जी, आप बताइए। जैसे हम ना नेम को एक्टिवेट कैसे करते हैं? नेम तो करेक्ट एक्टिवेट कर ली, नेम, देखिए नेम एक्टिवेट करने के लिए कोई आपको अलग से उसको 100 बार लिखने की जरूरत नहीं है। नेम एक्टिवेट आपका जितना नाम ट्रैवल होगा ना उतना ही वो एक्टिवेट होगा। आप अपने घर में बंद कॉपी में उसको लिखते रहोगे, उसका कोई लॉजिक नहीं है, वो सिर्फ एक बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। आज की डेट में हम उस युग में रह रहे हैं जहां पर हमारा नाम ट्रैवल करता है। फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप अकाउंट हो गए आपके, ठीक है, व्हाट्सएप तो आज की डेट में हर बंदा यूज कर रहा है, वहां पर आपका नाम लिखा हुआ आता है एंड ऑल। आपका नाम एक्चुअली में आप बोला कम जाता है, आज की डेट में पढ़ा ज्यादा जाता है। ठीक है, तो आपका नाम जितना ट्रैवल करेगा, जहां जहां आप अपने नाम को कंफर्टेबली कन्वीनियंटली चेंज कर सकते हो, जहां जहां आपका नाम ट्रैवल कर रहा है वहां वहां जब आप अपना नाम चेंज कर लोगे आपको उसके इम्पैक्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर कोई बिजनेसमैन है वो अपने विजिटिंग कार्ड में, अपनी वेबसाइट के ऊपर, कोई पर्सन है जो अपना खुद का काम कर रहा है, जो कोई अपना खुद का काम नहीं कर रहा तो वो अपने ईमेल आईडी में, जैसे जो काम कर रहे हैं वो अपने ईमेल आईडी में, फेसबुक पर, लिंक्डइन पर, इंस्टाग्राम पर, यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, बड़े इजी। हाँ, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमको अपने डॉक्यूमेंट्स में नाम चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो 1% का चांस बनता है कि कुछ लोग अपने डॉक्यूमेंट्स में नाम चेंज करा पाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहती हूँ कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स में नाम चेंज नहीं भी करा पाते तो भी रोज आपके डॉक्यूमेंट्स खोल के कौन देख रहा है, कौन पढ़ रहा है आपका नाम? आपका नाम पढ़ा जा रहा है आज के जमाने में इन वेबसाइट्स पर, इन सोशल मीडिया साइट्स पर, जिसकी वजह से आज की डेट में नाम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। नहीं तो पहले के जमाने में हम नाम की स्पेलिंग को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया करते थे। सिर्फ और सिर्फ जो सेलिब्रिटीज होते थे, पॉलिटिशियंस होते थे, जिनके नाम ट्रैवल करते थे, जिनके नाम लोगों के द्वारा पढ़े जाते थे, केवल वो लोग अपने नाम की स्पेलिंग के ऊपर फोकस करते थे। लेकिन आज की डेट में एक कॉमन मैन भी अपने नाम की स्पेलिंग के ऊपर फोकस इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका नाम सर्कुलेट हो रहा है आज की स्थिति के हिसाब से। ठीक है, इस वजह से आपको अपना नाम लिखने की जरूरत नहीं है, कॉपियां भरे जा रहे हो लिख लिख के, लाल पेंसिल, नीले पेंसिल और सबसे, वो करने की जरूरत नहीं है। अपना नाम सिर्फ सर्कुलेट करने की जरूरत है, और द मोमेंट आपके दिमाग ने आपका नाम एक्सेप्ट कर लिया और आप दुनिया वालों की नजरों में बार 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 वो नाम जा रहा है, वो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है। ठीक है, जैसे कि अब जो मुझे आपकी वाइब्रेशंस आ रही हैं, वो वाइब्रेशंस कैसे आ रही हैं? पी पूजा, ठीक है ना? तो वो वाइब्रेशंस जो आप वाइब्रेशंस मुझे दे रहे हो, जो वाइब्रेशंस मैं आपको दे रही हूँ, वो पी पूजा के थ्रू दे रही हूँ। ठीक है ना? ठीक है जी।